कर्नाटक के जहां छिड़े सियासी घमासान के बीच भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कल राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। येदियुरप्पा ने शपथ लेने के साथ ही राज्य के किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस राज्य में भाजपा सरकार बनने के विरोध में सड़क पर उतर आई और राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्यपाल के इस फैसले को कानूनी चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। कर्नाटक में खंडित जनादेश आने के बाद 3 दिनों से जारी जबरदस्त सियासी घमासान के बीच 75 साल के बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार सुबह 9 बजे जब राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न दोगुना हो गया। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने राज्य में बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले येदियुरप्पा ने अकेले ही शपथ ली। सफ़ेद सफारी सूट पर हरे रंग की शॉल पहने येदियुरप्पा ने ईश्वर और किसानों के नाम पर भी शपथ ली। पद की शपथ लेने से पहले येदियुरप्पा ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। शपथ ग्रहण के बाद येदियुरप्पा विधानसभा और राज्य सचिवालय गए और पदभार ग्रहण किया। येदियुरप्पा ने दावा किया कि वो सदन में बहुमत साबित करेंगे और सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। I don't want to discuss all this one now because it is in the Supreme Court. No, but are you confident about it, sir? 101% I am going to get absolute majority and I will complete 5 years, sir. आखिरकार बी एस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। अब बीजेपी का अगला कदम विधानसभा में बहुमत साबित करने का है, जिसको लेकर बीजेपी काफी अश्वस्त नजर आ रही है, जिसकी वजह है कि जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही येदियुरप्पा ने तेजी से फैसले लेने भी शुरू कर दिए। वायदे के मुताबिक सबसे पहले येदियुरप्पा ने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य के 4 IPS अधिकारियों के तबादले भी किए। सरकारी लिपिक के तौर पर साधारण सी पहचान रखने वाले और एक हार्डवेयर की दुकान के मालिक बीएस येदियुरप्पा ने अपने राजनीतिक सफर में तमाम विपरीत परिस्थितियों में किसी मजे हुए नेता की तरह चुनौतियों का सामना किया और उन पर जीत भी हासिल की। जनसंघ से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर वो अपने गृहनगर शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा में बीजेपी के प्रमुख रहे। वर्तमान में शिवमोगा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे येदियुरप्पा साल 1983 में शिकारीपुरा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। फिर इस सीट का उन्होंने 5 बार प्रतिनिधित्व किया। येदियुरप्पा पहली बार नवंबर 2007 को राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई। 2008 के चुनाव में येदियुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी ने जीत हासिल की और वो 2 बार CM बने। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 31 जुलाई 2011 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्होंने अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वापस बीजेपी में आ गए। अब येदियुरप्पा सरकार को 15 दिनों के अंदर विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। हालांकि उनकी राह आसान नहीं है। शपथ ग्रहण के खिलाफ ही जेडीएस और कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को एक रिसॉर्ट में रखा है। हालांकि मीडिया में कांग्रेस के कुछ विधायकों के लापता होने की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन गठबंधन के नेता 118 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि वो सदन में मोहब्बत साबित कर देगी। सभी हमारे 117 विधायक इंटैक्ट हैं और इनमें से कोई नहीं भागा है। जॉइंटली वी आर गोइंग टू फाइट हियर इन कर्नाटक। मेरे समझ के बाहर है, कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस को कर्नाटक के 6.5 करोड़ जनता ने नकारा है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा के शपथ लेने को कर्नाटक के प्रत्येक लोगों की जीत बताया, जिन्होंने कांग्रेस की भ्रष्ट और विभाजनकारी राजनीति को समाप्त करने के लिए वोट दिया है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया। लोकतंत्र की हत्या तो उसी समय हो गई थी जब उतावली कांग्रेस ने जद एस को अवसरवादी पेशकश की थी, कर्नाटक के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए। शर्मनाक। बीजेपी राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 104 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं चुनाव के बाद बने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 116 विधायक हैं। उन्होंने 2 अन्य विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है। फिलहाल 222 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 112 विधायकों की जरूरत है। इस बीच शुक्रवार सुबह 10:30 इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के साथ ही शक्ति परीक्षण पर लगी हुई हैं।
बेंगलुरु से आशा खानम और विक्रमजीत के साथ डीडी न्यूज़।